रुको 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 गाइस, क्या आपको पता है आप अपनी लाइफ के साथ कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो? सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ आप एक दिन में कितना पानी पी लेते हैं, सच सच बताना ठीक है। देखो भाई, ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ने मुझसे बोला है आपको 5 लीटर प्लस लिक्विड लेना है, और देखो मैं एक दिन में कम से कम 6 लीटर पानी पीता हूं। एक नॉर्मल आदमी को कम से कम 3 से 4-5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो पाता है। आई नो ये 5 लीटर की कैन है, ये मेरे को आज पीनी ही है, और मैं डेली इतना 5 से 6 लीटर पानी पीता हूं। अगर आप अपने दिन में 1 या 2 लीटर पानी सिर्फ पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के साथ बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। हमारी किडनी की कैपेसिटी होती है 1 घंटे में लगभग अप्रॉक्स 1 लीटर पानी फिल्टर करने की। मुझे ये पूरा 5 लीटर पानी रात के 8 बजे तक खत्म करना है, इसके बाद मैं दूध वगैरह भी पीता हूँ। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और देखो मैंने ऑलमोस्ट आधा पानी पी लिया है, तो ऑलमोस्ट मुझे 6 लीटर का लिक्विड कंज्यूम करना होता है। और ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा 5 लीटर खत्म कर दिया। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप कितना पानी पी रहे हो, कहीं आप कम पानी तो नहीं पी रहे, बॉडी के साथ रिस्क तो नहीं ले रहे हो? आने वाले कुछ दिन अगर आप प्रॉपर लिक्विड डाइट लेते हैं तो देखना आपकी बॉडी में खुद ही आपको इंप्रूव दिखना चालू हो जाएगा। फॉर मोर प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।